दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट वॉलेट न्यूज के साथ। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक की। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यानी कि 24 सितंबर को कैबिनेट बैठक हुई है और इसमें कई अहम प्रस्तावों को पारित किया गया है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से प्रस्ताव को पारित किया गया है जिसमें आम जनता के लिए बहुत सी सौगातें आई है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं जिससे अपडेट रहे देश दुनिया की तमाम खबरों से। दोस्तों चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, प्रदेश को मिली कई सौगातें। दोस्तों 2 माह बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार कई सौगातों को मंजूरी देने में जुट गए हैं। सोमवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक में भी कई अहम फैसले लिए गए। इस कैबिनेट बैठक को शिवराज सरकार के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 38 प्रस्ताव रखे गए। दिन भर चर्चा हुई और मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को कैबिनेट बैठक के अहम फैसलों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री विवाहिता बहन योजना, 50 साल की अविवाहित महिलाओं को मिलेगी पेंशन, प्रस्ताव को मंजूरी। प्रदेश के मठ और मंदिरों के लिए मध्य प्रदेश मंदिर प्रबंधन संस्था की स्थापना और पुजारी कल्याण कोष का गठन होगा। भोपाल इंदौर मेट्रो परियोजना के लिए नए पदों की मंजूरी मिलेगी। मेट्रो के लिए बॉन्ड के जरिए फंड जुटाने को मंजूरी मिलेगी। उज्जैन जिले में मागदौन को तहसील बनाने का फैसला हुआ। ग्राम नीलकंठ की निजी भूमि जो नर्मदा नदी के बाढ़ के विस्थापितों को बसाया था उस जमीन के मालिक को दूसरी जगह भूमि दी जाएगी। सिराली भी नगर पंचायत बनाई जाएगी। मालनपुर भिंड को भी नगर पंचायत बनाया जाएगा। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग का गठन होगा। अखिल भारतीय सेवाओं में जाने के लिए सभी वर्गों के 100 छात्रों के लिए कोचिंग के लिए चयन को भी मंजूरी दी गई। इससे पहले कैबिनेट बैठक में 50 साल या उससे ज्यादा उम्र की अविवाहित महिलाओं को पेंशन देने का प्रस्ताव रखने पर विचार हुआ था। सरकार चुनाव के पहले ही इसे लागू करना चाहती है। इसके अलावा दिल्ली में यूपीएससी की कोचिंग करने पर प्रगति आह्वान विद्यार्थियों को फीस सरकार भरेगी। साथ ही बैकलॉग पदों पर भर्ती अभियान की सीमा भी सरकार बढ़ा जा रही है। इंदौर भोपाल मेट्रो का शुभारंभ। दोस्तों चुनाव पहले ही सरकार इंदौर भोपाल में मेट्रो का शुभारंभ करना चाहती है। इसके अलावा जेलों में 905 में से 180 पदों की प्रमुख मुख्य प्रहरी के पद पर अपग्रेड करना, थानों में महिलाओं के लिए अलग कक्ष निर्मित करना, जून 2017 के आंदोलन में रतलाम में उप निरीक्षक पवन यादव की आंख खराब होने से उनके बेटे धीरज यादव को नियुक्ति देना, इनको पर्यटन के लिए अनुदान निरंतर रखने, 50 साल से ज्यादा की अविवाहित महिलाओं को पेंशन देने, राज्य खाद्य आयोग के गठन का अनुसमर्थन और पुजारी कल्याण कोष गठित करना, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सरकारी जमीन का वार्षिक भूभाटक माफ करने, संविदा आयोग चिकित्सकों को बोनस अंक देने और आईएएस नीरज दुबे की पत्नी रश्मि को देश के बाहर इलाज कराने खर्च का भुगतान करने, विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए मुंबई की संस्था से डिप्लोमा कोर्स कराने और इंदौर स्मार्ट सिटी के लिए भूमि आवंटन संबंधित और श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। दोस्तों यह थी अहम खबर आज की और मुख्य खबर जिसमें कैबिनेट प्रस्ताव के बारे में जाना। इसी प्रकार की देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट अलर्ट रहने के सब्सक्राइब करें नमस्ते इंडिया न्यूज को, बेल आइकन दबाएं जिससे अपडेट रहे देश दुनिया की तमाम खबरों से। वीडियो को अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप और फेसबुक शेयर करें ताकि सभी लोग जान सके आज की इस अपडेट वो अलर्ट न्यूज को। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्ते इंडिया।